अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक नई टेक्निकल वीडियो आपको सिर्फ खबरदार करने के लिए मैं बना रहा हूं कि ताकि आप लोग जो है वो अपना जो टाइम है वो वेस्ट ना करें इन चीज़ों के ऊपर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि नवंबर के वस्त के अंदर एक जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो है वो एक फ़ीचर पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और अभी तक उसका ट्रेंड चल रहा है, और वो है चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक चैट बोट है, जिसके अंदर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपको उसका आंसर दे देता है, ठीक है। लेकिन ये जो आंसर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरीके से जो है वो कंप्यूटर खुद जनरेट करके आप तक पहुंचाता है। इसमें काफ़ी हद तक जो आंसर है वो ठीक भी होते हैं और बाज़ दफ़ा वो खुद बता देता है कि भाई मेरे पास इस चीज़ का नॉलेज है नहीं है। अच्छा, अब असल मुद्दे के ऊपर आते हैं। वो मुद्दा ये है कि जब आप यूट्यूब खोलते हैं या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलें तो आपके सामने ना जो थंबनेल लोगों के नज़र आ रहे होते हैं, ख़ास तौर पर उन चैनल्स के जो कि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, वो इस तरह के मौके ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कुछ ऐसा मौका मिले जिसमें हम लोग लोगों को बेवकूफ़ बना सकें कि ऑनलाइन अर्निंग हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप गूगल में या यूट्यूब में भी सर्च करें हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन यूजिंग चैट जीपीटी, तो ये भी टैग या ये भी जो सर्च है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। हालांकि इस चीज़ के अंदर कोई हकीकत नहीं है कि आप चैट जीपीटी की मदद से कोई ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। जैसे लोग बताते हैं, अक्सर आपने थंबनेल देखा होगा कि मैंने 2 दिन के अंदर 40,000 जो है वो मैंने इनकम कर दी चैट जीपीटी से, या मैंने $1,000 पर मंथ बना लिया। ये सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए है और इसमें कुछ भी नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि चैट जीपीटी के अंदर जस्ट आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे वो उसका आंसर देगा। हाँ, अलबत्ता आप इस फीचर को यूज़ करते हुए अपने यूट्यूब की वीडियोज़ बना सकते हैं, यानी यहाँ से कुछ आइडिया चुरा सकते हैं। बाकी अक्सर लोग कहते हैं जी हम चैट जीपीटी की मदद से हमने जो है वो टेक्स्ट को जो है वो वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। टोटली फेक, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके लिए आपको अल्टरनेटली कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर या वेबसाइट्स पर जाना पड़ता है जहां पर आप टेक्स्ट लिखकर जो है वो उसका जो है वीडियो जनरेट कर सकते हैं, वो भी एनिमेटेड शक्ल के अंदर। इसी तरीके से ऑनलाइन अर्निंग में भी जब आप आर्टिकल वगैरह इसके अंदर टाइप करते हो तो आपको उसके अंदर से यूं कह लो कि 50 to 60% काम ये खुद करता है, बाकी काम आपको खुद करना पड़ता है। और उसके बाद दूसरे प्लेटफॉर्म्स आपको खुद तलाश करने पड़ते हैं जहां पर जाकर आप अपने आर्टिकल को पोस्ट कर सकते हैं या उधर सेंड कर सकते हैं, और वहां से आप पैसे कमा सकते हैं डायरेक्टली। आप कभी भी चैट बोट के अंदर ऐसा कोई फीचर मौजूद नहीं है कि आप वहां पर कुछ काम करें और वो आपको उसके बदले में डॉलर पे करे। तो ये टोटली जो है वो फेक है। ऐसी वीडियोस जिसके अंदर आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड इस तरह की बातें बताई जा रही हो, उसके ऊपर आपने बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं जाना। टोटल इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा, ये चैट बोट के ऊपर थोड़ी सी मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि चैट बोट चूँकि अभी 1-1.5 महीने के अंदर इतना फेमस हो चुका है और इसके जो हिस्से शेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुलंद हो गए हैं। तकरीबन $27 अरब के ऊपर जो है वो इसकी बोली लग चुकी है चैट बोट की। हालांकि इतनी बोली इसकी लगनी नहीं चाहिए थी क्योंकि इसके अंदर कोई इतनी कमाल की बात नहीं है, क्योंकि जो गूगल का अपना भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फीचर है जो लेमडा के नाम से जाना जाता है, वो इससे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। अब आप दोनों की अगर आप कंपैरिजन करके देख लें, चैट बोट की या गूगल की भी, तो चैट बोट में जस्ट आपको एक टेक्स्ट वो जनरेट करके देगा। यानी आपने पूछ लिया ना व्हाट इज ह्यूमन बीइंग मिसाल के तौर पे, तो वो आपको सिर्फ ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन बता देगा, ये कब पैदा हुआ ये वो। लेकिन अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो वो आपको एक पूरी वास्ट वैरायटी दे देगा, जिसमें आपको डिफरेंट लिंक्स मिलेंगे, मुख्तलिफ जो है वो उसमें इमेजेस आपको मिलेंगी, और यूं कह लो कि मुख्तलिफ चीज़ें मिलेंगी। जैसे चैटबॉट में तो जस्ट आपको एक पूरा एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है, लेकिन गूगल में आपको मुख्तलिफ लोगों के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। आपको जो सही लगता है वहां से कॉपी कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को देखते हुए कि चैटबॉट जो है वो उसके अंदर मिलियंस लोग फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को, तो माइक्रोसॉफ्ट भी अपने ब्राउज़र के अंदर ऐसा फीचर लाने वाली है अगले 1-2 महीने के अंदर, और वो $1 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं ताकि अपनी जो सर्विस है Bing.com की, उसके अंदर एक एडिशनल एक्सटेंशन बीच में डाली जाए चैटबोट की तरह की, ताकि लोग जो है वो चैटबोट की तरफ ना जाएं। अगर उनको कोई क्वेश्चन या क्यूरी पूछनी है तो वहीं पर जाके पूछ सकते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से आप अगर आप चैटबोट में, अक्सर लोग कहते हैं जी आप वेबसाइट बनाएं और इतने डॉलर कमाएं चैटबोट की मदद से,
तो चैट बोर्ड मैं आपको पहले बता चुका हूँ डायरेक्टली कभी भी आपको पेमेंट नहीं देता ना, आप वहाँ से डॉलर कमा सकते हैं। हाँ अलबत्ता आप स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें वहाँ पर जो है वो पढ़ सकते हैं, वो भी आपको इन डेप्थ वो नहीं बताएगा, वो जस्ट आपको एक टेक्स्ट फॉर्म के अंदर बता देगा कि आप वेबसाइट बनानी है तो आप ये काम करें। अब जो जो वो काम होगा ना वो भी आपको फिर सीखना पड़ेगा कैसे करना है, जैसे वेबसाइट चलानी है तो आपको मजबूरन यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, यूट्यूब में लोगों के प्रैक्टिकल्स जो परफॉर्म किए होते हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए सिर्फ एक वार्निंग के तौर पर थी कि आप लोगों ने ऐसी जितनी भी थंबनेल्स हैं जिसमें ऑनलाइन अर्निंग भी चैट बोर्ड से आप कर सकते हैं वो बिल्कुल फेक है, उसमें किसी बंदे ने कोई आपको अर्निंग करके नहीं दिखाई होती, जस्ट आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाते हैं और उस चैट बोर्ड का दिखा देते हैं, ये देखिए जी हमने यहाँ पर ये लिखा और इसमें ऐसे ऐसे होता है, वो आप खुद भी कर सकते हैं ठीक है, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे हम इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी आती रहेंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।